बेगम साहबा के दांत ही नहीं छुप रहे हैं। हाँ जी अंगूर देखे हुए हैं। सुन खाओ आ करो बिस्मिल्ला। बेगम साहबा को बड़ा गुच्छा मिला है, यक्का इधर खीसे में डालें, जेब में इधर डालें। ये क्या बनाया हुआ है? क्या सरप्राइज है? अंगूर सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जा भी रहे, खुश रहे, बाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। मरियम पुत्र क्या कर रही है? सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। हमारी दुआ हमेशा साथ है, जो बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। इसीलिए एक दुआ साथ का ब्लॉग करते स्टार्ट रहना है हमारे साथ, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। शेबू क्या कर रहा है? शेबू क्या कर रहा है? खेल रहे हो? अच्छा ये कौन है? ये तो हाशिम है। ये कौन है? ये तो कासिम है। और छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। क्या कह रही है बेगम साहबा? नहीं आपने पूछा ये कौन है, कहता है कासिम पुत्र। कासिम पुत्र है तो मैं पुत्र बुलाता हूँ ना फिर, इसलिए। वैसे ये मेरे छोटे भाई हैं जिनका क्या खरीद गए। अल्लाह से पैसे रेसे वाला बे गिनसो, ठीक है? सोने गिनसो है, खीसे वाले हैं। वाह जी वाह। दुआ करो। हाँ जी दुआ कितना करो? अल्लाह से पैसे रेसे वाला बे गिनसो। कितनी दुआ करे दो? देख सारी सही है। हाँ जी दुआ करते हैं वो। दुआ तो करते हैं, इसके काम देखें। जुत्ती पहना रहे हो बीबी को? माशाल्लाह। शेबू बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं मम्मा के साथ बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जाग रहे हैं, खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, कुला की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, हाँ जी मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक है, सिर्फ शाहजेब की तबीयत जो है ना अभी कुछ ठीक नहीं है। कुछ बेहतर है? हाँ जी हाँ जी कुछ बेहतर है, फुल ठीक नहीं है। हाँ जी कुछ बेहतर है। अच्छा जी हाँ जी। कासिम पुत्र ये उठाओ यार, ये उठा के वो उधर रखो, सही है? और तो किसी को नजर आता नहीं है, मुझे आता है, मैं तो चलो कह दूं ऐसे ही ना। हाँ जी ये मारिया ने उठाया हुआ था। फिर यहाँ फेंकने की जगह थी? पता नहीं उठाया उसने थी, नजर तो सबको आता है ना, इधर पड़ा है। हाँ जी फिर उठा लेना चाहिए, बर्तन है इस्तेमाल करने वाला। हाँ जी समझ आई है? अगली भी गई आई है, नए ले लेंगे। हमारी कौन सी बैंक लगी हुई है इस सोच पे बैठे रहे तो? ये क्या बोलते हैं उसे, ये हमारे जो है ना कपड़े भी बिक जाएंगे और नहीं आएंगे। चलें जी सही है, आज जो है ना बहुत बड़ा क्या है सरप्राइज है, खुशी की खबर है। क्या खुशी की खबर? खुशी की खबर, खुशी की खबर। हाँ जी खुशी की खबर सुनने के लिए रहे आपने जो है ना इंतजार करना है, क्योंकि अभी नहीं सुना सकता, वो बहुत बड़ी खुशी की खबर है, आप सोच भी नहीं सकते क्या है। उससे पहले मिले अम्मी जान से, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? ठीक है। दादी भी आई बैठी है, दादी क्या हाल है? चंगा हाल है। तबीयत कुछ ठीक है? सही है। अभी क्या बोल रही थी आप? पता नहीं हम तो भूल गए। नहीं मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रही थी। कमाल है, भूल अम्मा भूल में दिया, दादी तो भूल दी रानी क्या? कोई गाल में? कोई गाल नहीं आते, भूल में नहीं। हां तू भूल में नहीं, जक्के भूल में दो। हां ते अच्छा, पता ही नहीं है मैं क्या कर रही। चलो सही है। ये क्या बनाया हुआ है? ये क्या बन गई हो? हैं
ये बीबी बलाऊ क्या बन गया है, अखबारों वाली बन गई हो, वो भी चाइनीज अखबारों वाली। बिल्ली पकड़ ली है। चले जी, आप सब के लिए ना बैठ जाएं, बैठ जाएं। जब मैंने कहा ना आप सब के लिए, सब लोग हैरान रह गए। फिर मैंने कहा बैठ जाएं, फिर हंसने लग गए। मैं आपको जोक सुनाता हूँ। यही तो बात है ना, जो खास बात है, जो राज है, जो खुशी है, जो सरप्राइज है, जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, वो आप देख नहीं सकते, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, बस ऐसा सरप्राइज है। देख नहीं सकते है ना बीबी, जैसा भी है तो सरप्राइज है। सरप्राइज, दादी भी हंस रही है, देखें। दादी को हंसना नहीं आता है क्या? दादी खिलती रहती है। हाँ, दादी को जेड़ा गाली सुनी दिया उसे खिलती बैठी हो सी। अल्लाह खैर करे से नहीं बेहोश थी दी। चले जी, बहुत बड़ा जो सरप्राइज है ना आपके लिए वो ये है, वो ये है, वो ये है, पता नहीं क्या है। तुमको पता नहीं है, हमारे पता नहीं है, किसको पता है? ओ, मुझे तो पता है। नहीं, तुम तो बोल रहे थे कि हमको पता नहीं है। मुझे तो पता है, ये पूछ रही हूँ क्या तुमको पता नहीं है, हमारे पता नहीं है, किसको पता है? पता नहीं किसको पता है। मरियम कह रही थी मुझे पता है। मरियम आपको पता है क्या सरप्राइज का पता है? क्या सरप्राइज है? अंगूर। अंगूर सरप्राइज है? अंगूर सरप्राइज नहीं है, एक और सरप्राइज है। उसका पता नहीं है, उसका पता नहीं है। कलौटी तो वो खड़ी है, कलौटी तो वो खड़ी है। हाँ। क्यों कट रही हो? मैं नमी कलौटी की बात कर रही हूँ। नमी कलौटी की? वो भी आपको पता है? वाह जी वाह। हाँ जी, आप सबके लिए सरप्राइज है, न्यू कलौटी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली है। ऑर्डर दे आया हूँ, दो दिन में तैयार हो जाएगी। वीआईपी अच्छी और सोनी और इससे भी थोड़ी बड़ी होगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सरप्राइज देखने को मिलेगा। यह थी आपकी आज की खुशी की खबर जो मैंने सुनाई है। इस खुशी के मौके पर फिर कुछ खिला भी दो। अच्छा, बड़ा जरा ना मसला पड़ता है, जरा दाढ़े बनाने वास्ते ऊपर चढ़ती हूँ ना कोठे पर। क्या है क्या मंगवा आपने, बेगम साहब? आपने कहा था कुछ खिला दो। हाँ, वो तो मैंने कहा कुछ खिला छोड़ो, दादी को भी खिला छोड़ो, बीबी को खिला छोड़ो, शेबू को खिला छोड़ो। वो तो पानी में रखे थे। बीबी खाओगी? बीबी को अभी नींद आ रही है लगता है, है ना? कोई भी नहीं है, इसीलिए अखी ढीमिया कर रही है। वो ये सरप्राइज है, वो ठंडे पानी में रखे हुए हैं ठंडे करने के लिए, माशाल्लाह। इधर ले आओ, इधर मैं आपको बताता हूँ, इस तरफ ले आओ, मेरे पास ले आओ, आ जाओ। ये देखें, ये टोकरी है, आप इसमें डालें, इसमें जब आप डालेंगे इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा पानी नीचे आ गया। ये देखें जी, सारा पानी नीचे आ गया। अब देखें, सोने सोने अंगूर आ गए हैं, माशाल्लाह। ये तो बहुत वधिया और सोने सोने लग रहे हैं। बीबी ये क्या है, ये क्या है? कासू को चक्कर हो, ये देखें क्या है ना? बीबी आंख अंगूर,
ये देखे लंबा है। छे बुआ खंगूर तू बरके वाला मटेरे पियो थोड़ा दादी का। चलो दादी ये गेन देख माया के मां कद्दू है ना बरके वाला ये बंधे ने पेन दादी समझे आज जड़ ना कद्दू बड़का ते खवे ने पेन कद्दू जड़ बड़का रखे ना अड़ू में बड़े ते अच्छा सही है सही। ला जी अंगूर हाजिर हो चुके हैं। हां जी बेगम साहिबा के दांत ही नहीं छुप रहे हैं। हां जी अंगूर देखे हुए हैं। अच्छा हां जी ये शहदेव को कैसे बनाया हुआ है ये इधर लेट रहे सबसे पहले दादी को अंगूर मिल गए हैं माशाल्लाह दादी अंगूर खा लेती है अंगूर ये गलो तो दादी भक्ति आवाज नहीं सुन गेट दे नहीं नहीं कोई बात नहीं है तू साडे घर दा हिस्सा नहीं वे मैं के तू साडे घर दा हिस्सा नहीं वे वाला जेड़े वेले कह नहीं आंदी वाला उडे ही भिजवेंदे नहीं से मैं के हाली ते मैं यहां गए बाकी जेड़े तू कहने आंदी वाला असा भिजवेंदे नहीं से माशाल्लाह जी अंगूर तकसीम हो रहे हैं। इनको इधर बिठाओ इधर इसको इधर बिठाओ फिर झोली में बिठा के इसको बोलो अब खाओ। हाँ बीबी क्या खा रही हो बीबी बीबी क्या खा रही हो ये है नहीं ये ढेक सारे ये ऐसे इधर पट्टो फिर खाओ आ करो बिस्मिल्लाह मारिया सिस्टर के सही है कोई गाल नहीं जी कोई गाल नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असा जेड़ी शे खंदू तैन बिजेंदू कहने आंदी तू एक केंदे ने बेगम साहिबा को बड़ा गुच्छा मिला है। आप तो नहीं खाने वाली ना नहीं आप खा लेते मैं यक्का इधर खीसे में डालें जेब में इधर डालें मैं लेके फरार हो जाता हूँ फिर आप देखते रहना बीच जाएंगे कोई बात नहीं मैं जो है ना जेब में ऐसे जबान लगा के खा लूंगा फनी 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 वैसे हंसी मजाक करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी मारिया आए ले जाओ ये किसके लिए है कास है आसन भाई और अब्बू जान के लिए है। वो ये क्यों रो रहा है ये चक तक कराओ कैसे बने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अरे मैं पकना चाहो खाओ आपको करो शादेब नहीं खा रहा तो मेरे पास भी आ गए हैं जी चेक करते हैं कैसे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हो आज तो बड़े मीठे लग रहे हैं ठंडे भी हैं किसी ने खाने हैं तो आ जाए बहुत जबरदस्त बहुत मजे के हैं क्या बोलता है मैं पकड़ूं तो कहता है सारा मुझे दो सारा आप तो ले लोगे पकर खाओ तो सही खाएगा नहीं गिराएगा ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त अंगूर हैं बहुत मीठे हैं और बहुत ठंडे हैं बहुत खुश हो हाँ जी जो झगड़ा कर रहे हैं ना बहुत खुश हैं देख हाँ जी हाँ जी हाँ जी भी हो रही है बच्चों का बस यही काम होता है बस खाने पीने को मिलती रहे चीजें सब खुश हैं सही है चलो जी अभी मेरा जो है टाइम हो चुका है चक्की पर जाने का मैं तो अभी जा रहा हूँ चक्की पर अपनी ड्यूटी का टाइम शुरू हो चुका है फिर आगे जो है बेगम साहिबा जाने उनका काम और बच्चे जाने ये देखें ये आ गया डोल दूध वाला अभी मैं जा रहा हूँ ठीक है लोग अभी जो है रहता है मेरा मेरी तो यहीं पर एंड हो गई है ओ पिसाई करा के ले आऊं हां जी आटा नहीं है ओ फोन रोटी पकाऊंगा तो हो जाएगा कि अच्छा आज रोटी नहीं पकानी क्या छुट्टी है नहीं आज कुछ आपकी बीत है बहुत है अच्छा चलो सही है मैं ले जाता हूँ मुझे दे दे मैं ले जाता हूँ
ले आओ मारिया पलंग पे पड़े हैं। ठीक है बेगम साहिबा। हाँ जी माशाल्लाह जी हमारा सामान जो है वो रेडी हो चुका है और अभी आपसे शेयर करते हैं और बताते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। और यहाँ पर देखें बकरियाँ भी आ चुकी हैं, ये देखें, और अबू जाना भी नहीं आए, बकरियाँ आ चुकी हैं। और ये देखें हमारा सामान, ये टमाटर और प्याज, ये हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड की हैं, और ये घी, और ये सूखा लहसुन, और ये पानी। आज मैं बना रही हूँ चावल और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। जिस मैन भाई ने हमारा घी जो है ये देखिए वो गर्म हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ प्याज और टमाटर, ये बहुत ही गर्म हो चुका है। अब करते हैं इसको भुनाई, ये देखिए, और इसके साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये रही हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, अब इनको भुनाई करते हैं। पर अभी साला जो है ये देखिए वो रेडी हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें, ये देखिए लाल मिर्चें मैंने डाल दी हैं और अभी इनको भुनाई करते हैं, फिर और चीज़ें भी देखते हैं। मसाला जो है ये देखिए वो भुनाई हो रहा है और अभी मैं डाल रही हूँ सूखा लहसुन और धनिया, ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब इनको भुनाई करते हैं, इसके बाद डालेंगे पानी। हमारा मसाला जो है ये देखिए वो रेडी हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ पानी, ये देखिए एक कटोरा, ये दो कटोरे, दो मैं और डालूंगी क्योंकि दो कटोरे चावल के हैं, चार कटोरे मैं पानी के डालूंगी। पानी जो है ये देखिए मैंने डाल दिया है चार कटोरे पूरे और अभी मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला, ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, और इसके साथ ही नमक भी डाल देते हैं। पानी में मिक्स हो जाता है, ऐसे मिक्स नहीं होता सही तरह से, ये देखिए। फिर नमक भी मैंने डाल दिया है। अब चावल जो है ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ, ये देखिए बिल्कुल ही साफ हैं और अभी इनको मैं धो रही हूँ, अंधेरा भी बहुत हो चुका है, ये देखिए चावल मैं धो रही हूँ अब इनको धो के। जो है ये देखिए माशाल्लाह वो उबल रहा है और अभी मैं डाल रही हूँ चावल, ये देखिए ये चावल, चावल डाल के, चावल जो है ये देखें माशाल्लाह मैंने डाल दिए हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। अब इनको पकाते हैं। फिर हमारी रेसिपी जो है ये देखें वो मुकम्मल हो चुकी है, चावल बिल्कुल ही खूबसूरत है, ये देखें। और जिस बहन भाई ने खाने हैं आके हमारे साथ खा सकता है। और अभी मैं इनको दम पे लगा रही हूँ, ये देखें, ये देखिए इनको मैंने दम पे लगा दिया है, दम पे। यहाँ पर अबू जान भी आ चुके हैं, आ चुके हैं। हाँ जी अभी आए हैं। अच्छा और आते ही पता नहीं कल क्या होंगे, नारियल हो गए होंगे, एक अचानक आ चुका। हाँ अचानक, अचानक तो उसको बोलते हैं जो बाहर से आए हैं। तो मैं बाहर हूँ, गेट क्यों आया? तुम तो रोज आते हो ना, तुम आप घर वाले हो, तो घर वाले तो क्यों थे तो आया तो गेट क्यों? जैसे कैसे दरवाजे से तो आए हैं ना। अच्छा जी, हाँ जी। और ये देखे अंगूर भी खा रहे हैं। ये किसके हैं? ये आपके हैं? मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं खा ही नहीं रहा था, खा तो बेरे है, मुझे मेरे कहाँ से आ गए। अच्छा मैंने कहा शायद ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके नहीं। देखो देखो वो खा रही है बीबी सारे। बीबी ये तो अबू के हैं, आप क्यों खा रही हो? क्या खा रही हो? बीबी पूछा ही कौन सी, किसी बहन भाई ने खाना हो तो आ जाए ना तो बाल खा दी मैंने। पहले आप इनको तो खिला ले। ये तो देखा लग गया मैं, पता है मरियम ना खाओ, मरियम नहीं खाओ बेटा, ये अबू के हैं, आपने खाए नहीं थे? आप अपने भी खाए थे, अम्मी के भी खाए थे, अभी भी अबू के भी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, हमारे घर में बड़े छोटे सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला
जो बीमार है तो तुमको सिखाए कामला आज राता फरमाए, जो रिज्क रोजी की तंगी ना लाता हूँ रिज्क रोजी सकते हैं ता फरमाए, आमीन। जो किसी के कारोबार के कोई बंदे से तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जो है ना उनको और इतना दे के उनसे सांभी ना जाए, आमीन। जो गरीबों की मदद करते रहे, हाँ जी इंशाल्लाह। हमारे देखने वाले को हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ये रिक्वेस्ट है सारी। हाँ जी, और अभी आज जरा ना खुद सराय की लेने पे। हाँ जी, हाँ जी, सराय की भी कुछ बहन भाई समझ लेते हैं ना, कोई समझ लेते हैं तो खुशखबरी आई है मेरे वास्ते था खास। हाँ जी, आपको पता है भुजा, खुशखबरी मेरे वास्ते ये आई है कि मेरी ये जरिए ना नवी कलहटी आने वाली है। माशाल्लाह, अम्मी को मुबारक दे बड़ी बड़ी। ये शे उसी की खुशी में है। हाँ जी, उस खुशी में बंटी है। हाँ जी, वाह भाई वाह। मेरे को बहुत बड़ी परेशानी थी है ना, जब कलहटी तक आनी वाली नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह दो तीन दिन तक। अच्छा, अल्लाह करे आ बन जाए। हाँ जी, अल्लाह हर मुसलमान को खुशी देवे। हाँ जी, साल की मुस्कुराते रहें, हंसते रहें फूलों की तरह। हाँ जी, जो हमारी मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको और ज्यादा दे। हाँ जी, और अंगूर भी खत्म हो गए हैं, और अंगूर भी खा चुके हैं। हाँ जी, मैं तो देखे नहीं है पर थोड़े से खाए थे। हाँ जी, लाड़ते खा पी रहे जहाँ छोड़े झगड़ा नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। भतरी जी खा रही है। हाँ जी, खत्म कर गया। और माशाल्लाह से अंगूरों के साथ हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।